सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूक्रेन को रूस के हमले में भारी तबाही हुई है। खबरों के मुताबिक रूसी सेना नॉर्थ कीव में घुस गई है। इससे पहले भारतीय समय अनुसार आज सुबह 8:30 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग का ऐलान किया और उसके ठीक 5 मिनट बाद धमाकों से यूक्रेन दहल गया। रूस ने यूक्रेन पर 3 तरह से हवाई हमले किए और कई शहरों को निशाना बनाया। रूस के हमले में यूक्रेन के 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर है, वहीं 10 नागरिकों की भी जान गई है। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक रूसी सेना अब तक 25 से ज्यादा शहरों पर हमला कर चुकी है। हमले में यूक्रेन की कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। यूक्रेन ने भी 50 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया है। साथ ही रूस के 6 लड़ाकू विमान, 2 हेलीकॉप्टर और 4 टैंकों को भी तबाह करने का दावा यूक्रेन की सेना ने किया है। वहीं रूस का दावा है कि उसने अब तक यूक्रेन के 70 मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में दहशत फैल गई है और लोग घरों को छोड़ सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं, जिसकी वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ऐलान किया कि वो रूस के आगे नहीं झुकेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नाटो देशों के राजदूतों की इमरजेंसी बैठक हुई। बैठक के बाद नाटो के महासचिव ने बताया कि 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान अलर्ट पर हैं और भूमध्य सागर में 120 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। बैठक में मौजूद नाटो के महासचिव येंस स्टॉल्टनबर्ग ने रूस के हमले की निंदा की। उन्होंने रूस को चेतावनी भी दी कि नाटो अपने सहयोगी देशों की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। This is a brutal act of war. We have over 100 jets at high alert protecting our airspace and more than 120 allied ships at sea from the high north to the Mediterranean. वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यूक्रेन पर रूस के हमले को गलत ठहराया और कहा कि पुतिन ने पूर्व निर्धारित योजना के तहत हमला किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान जाएगी। उन्होंने रूस को चेतावनी दी कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश एकजुट होकर निर्णायक जवाब देंगे। जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत भी की। बाइडेन ने G7 देशों की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें अमेरिका के अलावा कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बदले हालात पर भारत सरकार भी नजर बनाए हुए है। भारत ने बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने की उम्मीद जताई है। यूपी में चुनाव प्रचार के बाद दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के मुद्दे पर एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इससे पहले भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने मौजूदा संकट से उबारने के लिए पीएम मोदी से दखल देने की अपील की। Makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. इस बीच खबर है कि पीएम मोदी आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात करने वाले हैं, जिसकी पहल रूस की तरफ से की गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा। दिन का कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स में 2700 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 54529 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 800 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ 16247 पर बंद हुआ। दोनों देशों की लड़ाई का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिखा। कच्चा तेल $102 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, तो वहीं सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भी 2% की वृद्धि हो गई। रूस के हमले के बाद रूस की मुद्रा रूबल में भी 8% की गिरावट आई है। आशंका जताई जा रही है कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यूक्रेन रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक है, इसलिए उसकी कीमतों में भी इजाफा तय माना जा रहा है। तो वहीं रूस गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए आने वाले दिनों में गेहूं के दाम भी बढ़ सकते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अब नाटो भी एक्शन में है। यूक्रेन संकट पर नाटो देशों ने एक आपात बैठक की, जिसमें सबने यूक्रेन के साथ खड़े होने का ऐलान किया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चेक रिपब्लिक और बेल्जियम ने भी हमले की निंदा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही है, तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन पर रूस के हमले को यूरोप के इतिहास का टर्निंग पॉइंट बताया है।
साथ ही मैक्रों ने कहा कि फ्रांस रूस के एक्शन का कड़ा जवाब देगा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी संसद की आपात बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने रूस के हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया और कहा कि जर्मनी रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा ताकि उसे सबक मिल सके। इटली के प्रधानमंत्री मारियो दागी ने भी यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव मदद करने की बात कही। यूक्रेन पर हमले के बाद जापान में यूक्रेन के समर्थन में रैली निकाली गई। टोक्यो में रह रहे यूक्रेन मूल के लोगों ने हमले की निंदा की और दुनिया के देशों से मदद की गुहार लगाई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.